नहीं, कहीं बिजली नहीं। बिना बिजली के जनता परेशान है, यहाँ जनता का देखो बुरा हाल है। बिहार है बिहार है बिहार है, यहाँ जनता का देखो बुरा हाल है, यहाँ जनता का देखो बुरा हाल है। सुना हो भैया सुना हो बहिना, हो 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 हो, सुना हो भैया सुना हो बहिना, मिलकर कर मतदान, ये है आपन सरकार, ये है आपन बिहार, चुना आपन सरकार, ये है आपन बिहार। भोजपुर से चलकर आज तक की बोट यात्रा आ पहुंची है बिहार की राजधानी पटना, पूरे राज्य का राजनीतिक केंद्र है जहां, वो है पटना। और पटना में हम लोगों से बातचीत करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर पूरे बिहार में क्या चल रहा है, लोगों के मिजाज क्या हैं। खास तौर पर गंगा के किनारे जितने भी घाट हैं हम सब पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उनका मिजाज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं पटना। पिछले 5 वर्षों की बात करें तो पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काफी कुछ काम हुआ है। खास तौर पर इस गंगा के किनारे ही देख लें आप, गंगा में पूरे गंगा के किनारे घाटों का निर्माण कर दिया गया है, कलेक्ट्रिएट घाट से लेकर गया घाट तक। आप यहां से पैदल पथ से भी जा सकते हैं, पहले ये सुविधा नहीं थी। साथ में शहर की बात करें तो नए फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण भी हुआ है। एक के जो मरीन ड्राइव जो बन रहा है, जिसे गंगा पथ भी कहते हैं, उसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, हालांकि इसमें ज़्यादा वक्त लग रहा है। ये 21.5 किलोमीटर का लंबा पथ है और ड्राइव है, जो कि वेस्ट पटना को ईस्ट पटना से जोड़ेगा, क्योंकि ईस्ट पटना में जाना एक काफ़ी बड़ी समस्या होती है, खास तौर पर ट्रैफिक जाम को देखें तो। इसके बन जाने से जहां 2 घंटे का वक्त लगता था, वहां ये 20 मिनट में पहुंचा जा सकता है, लेकिन अभी निर्माण कार्य चल रहा है और इसमें देरी भी हो रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना में जो भी काम हुए हैं, चूंकि ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज़्यादा आबादी है यहाँ पर, तो जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ने की वजह से लोगों को समस्याएं होती हैं। बिहार है बिहार है बिहार है, बिहार है बिहार है बिहार है, यहाँ जनता का देखो बुरा हाल है। हम मौजूद हैं पटना के गांधी घाट पर और शाम का समय है, काफ़ी युवा यहां पर आते हैं घूमने के लिए। हमारे साथ भी कुछ युवा बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे, खास तौर पर जो चुनाव है विधानसभा का बिहार में, उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, क्या इनके मन में चल रहा है, क्या चल रहा है मन में। सर, चुनाव को लेकर तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ आपके पास नया होना चाहिए। सरकार बहुत दिन से सत्ता में, इनको चेंज करना चाहिए और युवा के लिए कुछ ध्यान देना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और बस आपको कुछ क्या लगता है कि कितना सही कह रहे हैं, क्या विकल्प है? विकल्प तो पहले कल पता चला था, ऐसा पता चला था कि मतलब कल पेपर में पढ़े कि 15 साल हमको मिलना चाहिए और कुछ और मिलना चाहिए। माननीय सुशील मोदी जी का बयान आया तो वो तो 15 साल हम लोग देख लिए कि उस समय क्या था। मतलब अब जाति धर्म को वैश्य वो नहीं है बात है, लेकिन उस समय में जो था कि रोजगार था ही नहीं, अपहरण हत्या लूट मार यही सब जो हम माननीय उच्च न्यायालय का भी आया कि जंगल राज है, इनको भी 15 साल मिला NDA का। और युवा इतना त्रस्त है, अभी हाल में हम पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यहाँ हाल में ही देखे हैं परसों एक लड़का, 3 दिन पहले एक लड़का आत्महत्या कर लिया। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, तो रोजगार के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। 15 साल उधर देख लिए, 15 साल इधर देख लिए, तो हम कोई किसी की भी सरकार तो किसी की बनेगी ही, लेकिन युवाओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। सबसे पहले ये हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए। यदि कहता है यहाँ देखते हैं, मान के चलिए कोई राम राम या अल्लाह अकबर जो कहेगा, सबसे पहले उसको जो शरीर में एनर्जी रहेगा तभी वो कुछ बोलेगा। एनर्जी के लिए उसको पहले सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए, तब वो कुछ बोलेगा। और सबसे पहले यहाँ बात देख रहे हैं कि बिहार में जो है 15 साल यहाँ जो डबल इंजन का सरकार जो भी रहा है, हमारे जो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि
बिहार में जो है रोजगार हम लोग इतना दिए हैं, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ भी देख रहे हैं 47% पर जो है बेरोजगारी दर पहुँच गया है, ठीक है। और सुशील कुमार मोदी जो कहते हैं, हम कह रहे थे कि थोड़ा पलायन पर ही बोल देते हैं, वो कह रहे थे कि बिहार के लोग जो है ना खुशी से दूसरे राज्य कमाने जाते हैं, कि दो वक्त की रोटी के लिए जो कमाने, हम तो ये कहना चाहते हैं कि क्या बिहार के लोग जो खुशी से कमाने के लिए जाते हैं दूसरे राज्य क्या। और तीसरा बात यह रहा कि हम लोग का सबसे पहले एक उच्च क्वालिटी का शिक्षा मिलना चाहिए। क्या यहाँ बिहार के बच्चा को क्या अंग्रेजी मीडियम पढ़ नहीं सकता है क्या? क्या यहाँ के बिहार के बच्चा को इतना बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं, इंग्लिश मीडियम पढ़ सकता है क्या? सबसे पहला बात यह है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। और ये जो सरकार जो देख रहे हैं लोअर क्लास का जो टीचर से बहाली की हुई है, कुछ आता ही नहीं है। पूछते हैं भारत का जो प्रधानमंत्री के नाम क्या है, तो कहता है लालू नीतीश है। ये क्या है, ये क्या शिक्षा व्यवस्था है? ये लोग तो शिक्षा के नाम पर मजाक बना के ये सही कह रहे हैं, क्या लगता है, कितना सहमत है इनके बात? सर सहमत तो है कि देखिए हमारे बिहार में शिक्षा जो है, शिक्षा नीति, टीचर का बहाली होनी चाहिए, वो भी उच्च मतलब लेवल, जैसे बीएड वगैरह जो कर रहे हैं उनको शिक्षा का मतलब ये देने का, एग्जाम देने का, एंट्रेंस का मतलब ये मिला हुआ है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि सर जो ग्रेजुएट है वो भी इनका मतलब पहले ही उठाएं, कम से कम शिक्षा नीति में बिहार, और शिक्षा को, शिक्षक व्यवस्था सबसे ज्यादा लागू होना चाहिए हमारे बिहार में, इसलिए शिक्षक की बहाली पर जोर देनी चाहिए और कम से कम अच्छे शिक्षक होने चाहिए। मूलतः केवल रोजगार की समस्या को लेकर ही युवा नाराज हैं या और कुछ आपको लगता है कुछ और समस्या है? नहीं, मूलतः तो सबसे ज्यादा रोजगार पर ही है और शिक्षा पर, लेकिन फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा राजनीति में जातीयता पर लोग ज्यादा ध्यान देता है, इसी के कारण बिहार ज्यादा विकास नहीं कर पाया है। आपको लगता है पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है यहाँ पर? काम हुआ है लेकिन थोड़ा मोड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं। जितना होना चाहिए उतना नहीं। जी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। घाटों पर जिस तरह से नमामि गंगे का जो ये है कि घाटों पर गंदगी अभी भी दिख रही है, हमने कई जगह देखा कि अभी भी ड्रेनेज का पानी गंगा में बहाया जा रहा है, तो वो सब चीजें अभी साफ तौर पर हम देख सकते हैं। साथ में युवा जो कह रहे हैं कि रोजगार की समस्या और खास तौर पर शिक्षा व्यवस्था, एक जमाना था कि पटना विश्वविद्यालय एशिया में स्थान रखता था और आज वो कहाँ है सब जानते हैं।